नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, कमर दर्द और जोड़ों के दर्द को जड़ से ख़त्म करने का हैरान करने वाला ये उपाय आइए आज हम सभी जानते हैं, जो आप सभी के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा। जी हाँ, कमर दर्द आप जानते हैं कि बेहद ही कष्टकारी होता है किसी के लिए भी। गेहूँ एक प्रकार का आहार होता है जो भोजन के उपयोग में लिया जाता है। जी हाँ, तथा सारे खाने वाले पदार्थों में गेहूं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सभी प्रकार के अनाजों की अपेक्षा गेहूं में पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं। इसकी उपयोगिता के कारण ही गेहूं अनाजों में राजा कहलाता है। अपने देश भारतवर्ष में गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गेहूं की अनेक किस्में होती हैं, जैसे कठोर गेहूं और नर्म गेहूं। रंग भेद की दृष्टि से गेहूं सफ़ेद और लाल दो प्रकार की होती है। सफ़ेद गेहूं की अपेक्षा लाल गेहूं अधिक पौष्टिक मानी जाती है। इसके अलावा बाजिया, जनागढ़ी, शरबती, सोनरापूसा, बंदी, बंसी, पूनमिया, टुकड़ी, दाऊदखानी, कल्याण, सोना और सोनालिका इत्यादि गेहूँ की अनेक किस्में होती हैं। गेहूँ के आटे से रोटी, पावरोटी, ब्रेड, पूड़ी, केक, बिस्कुट इत्यादि अनेक चीज़ें बनाई जाती हैं। इनका प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। गेहूं में चर्बी का अंश कम होता है, अतः गेहूं के आटे की रोटी के साथ उचित मात्रा में घी या तेल का सेवन करना आवश्यक होता है। इससे शरीर में ताकत की वृद्धि होती है। घी के साथ गेहूं का आहार सेवन करने से पेट में गैस बनना दूर होता है तथा कब्ज नहीं होती है। आवश्यक सामग्री नोट कर लीजिए: 2 ग्राम गेहूं की राख, 12 ग्राम शहद, गेहूं का आटा 50 ग्राम, घी 10 ग्राम, दूध या पानी 200 ग्राम, हल्दी 1 ग्राम। जी हाँ, ये सामग्री चाहिए होती है आपको। अब प्रयोग करने की विधि जान लीजिए। 12 ग्राम गेहूं की राख 12 ग्राम शहद में मिला करके चाटने से कमर और जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है। यह प्रयोग आप कम से कम 1 महीने तक दोहराएं, आपको लाभ होगा। अगर आपको जल्दी लाभ मिल जाए तो आप इसको सप्ताह में 3 दिन ले सकते हैं या 3 बार ले सकते हैं। गेहूं की रोटी एक ओर सेंक लें और एक ओर कच्ची रहने दें। इस कच्ची रोटी की ओर तिल का तेल लगाकर कमर दर्द वाले अंग पर बांध दें, इससे दर्द दूर हो जाएगा। जी हाँ, गेहूं का आटा 50 ग्राम, घी 10 ग्राम, दूध या पानी 200 ग्राम, हल्दी 1 ग्राम, इन सबको मिलाकर पकाएं। इसका गर्म लेप दर्द वाले भाग पर लगाएं, इससे लाभ मिलेगा। गेहूं को पानी में उबालकर इसे छान लें, फिर इस पानी से सूजन वाली जगह को धोएं, इससे सूजन कम हो जाती है। गेहूं की रोटी एक ओर सेंक लें तथा एक ओर कच्ची रहने दें, फिर रोटी की कच्ची भाग की तरफ तिल का तेल लगा करके सूजन वाले भाग पर बांध दें, इससे सूजन तथा दर्द दूर हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये होममेड रेमेडीज हैं जिनके सहारे आप अपने कमर दर्द या जोड़ों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।